हेलो एवरीवन, अस्टिच होम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सही तरीके से घेर पर गैदर बनाना सीखेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो शुरू करते हैं। यह हमारा कुर्ती फ्रॉक का घेर वाला फैब्रिक है, जिस पर कि हम गैदर बनाएंगे। गैदर बनाने के लिए कपड़े के एक इंच पर सबसे पहले हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से एक मार्किंग करें और उसके नीचे हाफ इंच और स्पेस छोड़कर एक और मार्किंग करें। इस तरह से मार्किंग कपड़े के एक इंच से स्टार्ट करके कपड़े के दूसरे एंड तक करें। जहां तक गैदर आपको बनाना हो, सेम मार्किंग इस तरह से कर लें। मार्किंग करने के बाद मार्किंग लाइन पर मशीन के 5 नंबर टाका पर इसे स्टिच करें। सेम मार्किंग घेर के दूसरे साइड भी कर लें। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद यहां थोड़ा धागा छोड़कर कट करें। अब दूसरे लाइन वाले सेम मार्किंग पर भी 5 नंबर टाका से स्टिचिंग कंप्लीट करें। यहां 5 नंबर का टाका मैंने दो कलर से लिया था। ऊपर मैंने व्हाइट रखा था और नीचे मैंने ब्लू कलर का रखा था। अब व्हाइट कलर वाले धागे को ऊपर की ओर इस तरह से कर लें और ब्लू कलर का जो धागा है उसे नीचे की ओर सेपरेट कर लें और व्हाइट कलर का दोनों धागा को पकड़ें और इस तरह से धीरे धीरे करके कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते जाएं। अब घेर पर गैदर बनना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से गैदर बन रहा है। यहाँ पर धागे को हल्के हाथ पकड़ कर खींचे, धागा टूटना नहीं चाहिए। गैदर बनाने का सही तरीका यही है। अगर मशीन का 5 नंबर टाका पर एक सिलाई के बाद गैदर बनाते हैं तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब भी गैदर बनाएं, मशीन के 5 नंबर टाका पर दो सिलाई मारकर गैदर बनाएं। सेम तरीके से घेर के दूसरे साइड से धागे को खींच करके गैदर बनाना शुरू करें। दूसरे साइड भी सेम तरीके से गैदर बनाना शुरू करें। और दोनों तरफ खींचने के बाद इसे घेर के चारों तरफ इसको एडजस्ट करके सेट कर लें। अब यह गैदर बनकर तैयार है। अब इसका मेजरमेंट लें। अब बॉडी का वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लें। अगर दोनों का मेजरमेंट एक समान हो तो दोनों को स्टिच करके अटैच कर लें, नहीं तो गैदर को आगे पीछे खींच करके उसको लेंथ में एडजस्ट कर लें। यहाँ पर दोनों का लेंथ बराबर आ गया है। अब मैं आगे बताती हूँ कि इसे अटैच कैसे करना है। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बॉडी और घेर को एक दूसरे का राइट साइड फेस करता हुआ रखें और गैदर के दोनों सिलाई के बीच से होते हुए बॉडी और घेर को अटैच करें। यहाँ पर ज्वाइन करते वक्त सिलाई बिल्कुल दोनों टाके के बीचों बीच से करें। इस प्रोसेस से गैदर बनाने से गैदर का लुक अच्छा लगता है और ड्रेस को स्मार्ट लुक देता है। अब यह घेर बॉडी से अटैच हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैदर का लुक कितना अच्छा लग रहा है। अब गैदर के पास जो 5 नंबर का बाहर वाला टाका है उसे यहाँ से खोल दें। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल अस्टिच होम को सब्सक्राइब भी जरूर करें।